विवाह आवायामि स्थापयामि पूजयामि कवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः रुद्रम आवायामि स्थापयामि पूजयामि छत्रस्य जोनिरस्य छत्रस्य नाभिरसि मात्वा हि गुंसीन् मामा हि गुंसीः ओम भूर्भुवस्वः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि एकाग्निसत्रयोजने वधनवानि तन्मसि भूर्भुवस्वः कंठाय नमः कंठम् आवाहयामि स्थापयामि नाभिर्मे चित्तं विज्ञानं पारुमे पचितिरभसतया आनंद नंदा पांडव मे भगः सौभाग्यं पसः जंघाभ्याम पद्भ्याम धर्मोऽस्मि विसराज प्रतिष्ठितः ओम भूर्भुवस्वः नाभ्य नमः नाभिः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम ततः कुंड मध्ये नैऋत्य कोणे वास्तु गुरु समावाह्येत ओम वास्तुस्पदे प्रतिजानि यस्मान् द्वावे सोवन मीवो भवानः जत्वे महे प्रतितन्नो जुकश्वा सुन्नो भवदुपदेशं चतुष्पदे वास्तु गुरु समावाह्येत स्थापयामि पूजयामि एकस्मिन् पात्रे बलिदानार्थं दध्योदनं कुण्डात् बहिः संस्थाप्य दधिप्रयोगः ददातु भवन्तः जा भैया मनीष दही दे दे थोड़ी के बहरे बलिदान हुए कुंड संस्कार यहाँ आचार्यों द्वारा संपादित हो रहा है। आप सब दर्शन करिए। समय अभाव के कारण कुछ न्यूनातिरिक्तता हो सकती है, उसके लिए क्षमा करें क्योंकि रात्रि का समय। शीघ्रम ददातु मनीषा भवन्तः किंचित दधि। अग्निपेटिका प्रज्वाल्य कर्पूरम संस्थाप्य कहो बाबा है प्रज्वलितम शीघ्रम देखिए भूमि कूर मनंते यहाँ देखिए सामने ओम भूरसि भूमि रस दित्य रस विश्वधाया विश्व सभुवन स धरत्री पृथ्वीम जक्ष पृथ्वीम त्रिगोह पृथ्वीम मा भिगोंसी ओम भूर्भुवस्वः भूम्ये नमः भूमिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम यस्य कूर्मो गृहे हविस्तवनं कूर्म यह दूसरे सुपारे में कूर्म का वहन ओम भूर्भुवस्वः कूर्माय नमः पूर्वम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि जजानः शर्म सप्रधाः अन्तम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि समर्पयामि। सिंहलगोत्रोत्पन्नः नीलकमलनामकस्य यजमानस्य संकल्पितजपानुष्ठान परिपूर्तये संपूर्णफलप्राप्त्यर्थं न्यूनतिरिक्तदोषपरिहारार्थम् अस्मिन् सन्निले पञ्चभूसंस्कारपूर्वकम् अग्निप्रतिष्ठापनं कृतनिश्चये परिसमूह्य कुश के द्वारा परिसमूहन ईशान्य त्याग विधानम कुंडात पूर्व पूर्वस्याम ईशान्यम अदर्भत्याग ततो दक्षिणस्तेन गोमयम आराय गोमय
गोमयेन उपलिप्य 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 एवं त्रिवारं उपलेपनं कृत्वा हस्तं प्रक्षाल्य दक्षिणहस्तेन ध्रुवमादाय पूर्वदक्षिणतः आरभ्योरसंस्थं पश्चिमतः प्रांगन्तं श्रुवमूलेन त्रिउल्लेखनं कृत्वा श्रुवादि उपलब्ध न होने के नाते चम्मच प्रयोग हो रहा है। ओम उल्लिख्य 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 अग्नि दीजिए आचार्य जी, धीरे से अग्निम ददातु भो देव मनीषम शीघ्रम यथा। देखा अग्नि, अग्नि यहाँ देवता आ गए हैं। अग्निवास में इनका आवाहन पूजन किया गया था प्रातः काल, तब से प्रज्वलित हैं। अग्नि कोण में, अग्नि तत्र बस देखिए अग्नि कोण में अग्नि यहाँ रखे गए हैं। ओम फट इति क्रव्यादांसनम अग्निम नैऋत्याम दिशि परित्यज्य अग्निम कुंडस्य उपरि त्रिवारं भ्रामयित्वा। त्रिवारं तीन बार उसको घुमाना पड़ेगा। देखिए ओम अग्निम दूतं तंबुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवान् आसादयादिह। काष्ट कितने सुंदर ढंग से काष्ट लगाया गया है, देखिए दर्शन का। इस प्रकार से चारों तरफ ऑक्सीजन मिलता रहेगा और अग्नि प्रज्वलित रहेगी। काष्ट लगाना भी कला है, लकड़ी लगाना, बहुत सुंदर। आचार्य जी के द्वारा अग्नि देवता को बुलाइए। ओम भो अग्ने तुम आवाहितो भव, भो अग्ने तुम संस्थापितो भव, भो अग्ने तुम संगृहीतो भव, भो अग्ने तुम सन्निधितो भव, भो अग्ने तुम सकलीकृतो भव, ओम भो अग्ने तुम मृतीकृतो भव, भो अग्ने तुम परमीकृतो भव। ताः मुद्राः प्रदर्शयेत्। ये अग्नि देवता को बुलाने की मुद्रा। ओम श्रृंगा त्रयो अष्टपादा द्वे शीर्घे सप्तहस्तासो असत्रिधा पद्धो वृषभो रो रवीति महो देवो आविवेश। ओम मनोज
विश्वे देवास इह मादियन्तामो प्रतिष्ठा। अग्नि का वाहन और अब अग्नि की प्रतिष्ठा। प्रार्थना करेंगे अग्नि देवता से। दक्षिण में ब्रह्मा जी का आसन, पौनेश आचार्य जी प्रणाम करते हैं। उत्तरतः प्रणीतासनम वायव्याम द्वितीयम आसनम दक्षिणे तत्र ब्रह्मोपवेशनम। ब्रह्मा जी दक्षिण में वहाँ यावत कर्म समाप्ये तावत मम ब्रह्मा भव भवा। ब्रह्मानुजात उत्तरे प्रणीता प्रणयनम ब्रह्मन आपा प्रणेश्यामि प्रणय। ब्रह्मा के स्थान पर कोई हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ व्यक्ति को बिठाया जाए। देखिए प्रणीता प्रोक्षणी वहाँ दक्षिण करेण जलम प्रपूर्य भूमो कुशकंडिकायव्यासने निधाय आलभ्य उत्तरोग्ने स्थापयेत। कुश कंडिका की विधि आचार्य द्वारा संपादित होने जा रही है। ध्यान से दर्शन करिए। इस चैनल पर पहली बार देखिए कुश लेकर तच्च त्रिभिः त्रिभिः गर्भैः एक मुष्टिया वा तच्च प्राग उदग्रैः दक्षिणतः प्राग अग्रैः तीन तीन दर्भ। देखिए दक्षिण में पूर्व में या यह तो स्थापित श्री कुशा इन द ईस्ट साइड पवित्र छेदना दर्भत्रयः तीन त्रय। देखिए वहां जो तीन दर्भ रखे गए हैं एक का देखिए विधि देखिए पवित्र द्वे प्रोक्षण पात्र अस्य स्पर्श दले प्रोक्षण में स्पर्श करिए। सुंदर बहुत सुंदर। देखिए भूदेव के लिए बहुत उपयोगी है ये कुशकंडिका विधानम। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सभी भूदेवों को ये जानकारी प्राप्त हो। कुशकंडिका से यज्ञ की विशेष कृपा होती है यज्ञ नारायण की। देखिए चतुस्थाली चतुस्थाली लाइए बंधु शीघ्र। देखिए वो चतुस्थाली और यज्ञ संपन्न करने के लिए कुशकंडिका प्रयोग करना ही चाहिए, जो कि हमारे मंगलेश्वर जी विधिवत संपादित कराते हैं। ये देखिए लेकिन आज इनका एक व्रत है, व्रत संपादित होने के बाद ही कुशकंडिका करेंगे। तब तक आज का हो जाने दीजिए, अगली बार मंगलेश्वर महाराज। देखिए सुख सुहा मंगलेश्वर जी आज लाना भूल चुके हैं, तो उपाचार्य की पदवी से उनको निरस्त किया जाता है। अगला उपाचार्य ज्ञानेश तिवारी होगा। दो के ऊपर तीन रखे दो ऊपर त्रिणी निधाय पश्चात। देखिए विधि देखिए तीन वाले को देखिए विधान देखिए बहुत सुंदर। द्वयो पर त्रिणी निधाय या बहुत सुंदर। ओम द्वयो पर त्रिणी निधाय द्वयोर मूलेन द्वो कुसव प्रदक्षिणीकृत्य त्रयाणाम मूलग्राणि एकीकृत्य नामिकांगुष्ठेन द्वयोर अग्रे छेदयेत द्वो ग्राह्य त्रीणि अन्यच्च उत्तरतः क्षिपेत। तीन वाला फेंकना होगा, दो वाला प्रोक्षणी में। प्रोक्षणी पात्रे तीन का फेंकना है, दो का प्रोक्षणी।
पात्रांतरेण चतुर्वारं जलं प्रपूर्य वामकरे पवित्राग दक्षिणे पवित्रयोर् मूलं धृत्वा मध्यतः पवित्राभ्यां तिरुत्पवनम्। इसको जल को अपने सामने रखो। अठर जी इसको जल से धुरंधर विद्वान है ऐसे तीन बार इसमें जल दोनों साइड पकड़कर सामने रखो। यो देखिए या बहुत सुंदर वो जो कुशा प्रोक्षणे वाला था उसे तीन बार चालीस में सत्कोनम प्रोक्षणे पात्र जलस्य प्रोक्षणी नाम सभ्य करे सभ्य हस्ते करणम दक्षिण हस्त उत्तानम कृत्वा वाम मध्यमा अनामिकयो मध्य पर्वा पर्वाभ्याम अपाम त्रिरुद्दिन गमनम प्रणीतोदकेन प्रोक्षणी प्रोक्षणम मा प्रोक्षण उदक शेषेण प्रोक्षणी प्रोक्षण प्रोक्षण उदकेन आजस्थाल्या प्रोक्षण चलुस्थाल्यम प्रोक्षण सम्मार्जन कुशान पांच बारह कुशा है उसके ऊपर उसके ऊपर जल सम्मार्जन कुशान प्रोक्षण उपयमन सात वाला जल उपयमन कुशानाम प्रोक्षण समिधानाम प्रोक्षणम श्रुवस्त्र प्रोक्षणम सृजः प्रोक्षणम आज्यस्य प्रोक्षणम तण्डुलानाम प्रोक्षणम पूर्णपात्रस्य प्रोक्षणम प्रणीताग्नयोर्मध्ये जल है उसके द्वारा पूरा प्रोक्षण प्रोक्षणीनाम आज्यस्थली चतुस्थली पूरी कुशा को आज्यस्थाल्यम आज्यनिर्वापणम सामने रख लीजिए और जलती हुई लकड़ी ले लो घुमाकर जय हो नारायण। आप से कितने लोगों ने कुशकंड का प्रयोग किया है कमेंट मैंने तो नहीं किया। प्रणीतोदकम् आसिच्य दक्षिणतः ब्रह्मणा आज्यादिश्रयणम् मध्ये चरुरधिश्रवणम् आचार्येण युगपत ज्वलितो मुल्केन उभयोः पर्युग्निकरणम् इतरथा भृतिः अर्धश्रिते चरोश्रुवस्य प्रतपनम् समय अभाव के कारण कुछ क्रियाएं छोड़ी भी जा सकती है। नहीं चेला लोग हैं सब आप मित्र लोग हैं विद्वानों हैं ना कुछ दूर तो समय दिखा दूं उनको अष्टवादनात आरभ्य सार्धष्ट पर्यंतम कुशकंड का प्रयोग पीछे देखो पूछे हाँ इससे वाह अग्नि में डाल दे वाह प्रणीतोदकेन अभ्युक्षगण करणम अभ्युक्षणम पुनः प्रतपनम निधानम राज्योद्वासनम चरुद्वासनम ततो वामकरे पवित्राग्रे दक्षिण पवित्रमूल्य धृत्वा मध्यतः पवित्राभ्याम आद्योत्पवनम ब्रह्मा जी से कुशा लगा दी कहीं धागा जोड़ करके अपने पास ले लिया तो
मन कुशान बाम हस्ते नारायण तिष्ठन समिधो तिष्ठन समिधोभ्यादाय तीन समिधा लेकर के उसको बाया हाथ पकड़ना है, उसको दाहिने हाथ से प्रयोग करना है। वाह, या तिष्ठन समिधो भ्यादाय प्रोक्षाण्डो दशेषेण सपवित्रहस्तेन अग्नये ईशान कोणदारभ्य ईशान कोण पर्यन्तम् प्रदक्षिणवत पर्युक्षण महस्तरसा वृति पवित्रो प्रणीता निधान दक्षिण जानवाच्युजुति त्र आघार आद्य भाग ब्रह्मण अन्वारध्यश्रुवेण प्रजापति मन साधया स्वाहा प्रजापत नम ओमिन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदं नमः अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः पुनः अग्निध्यानम् अग्निदेवता को पुनः ध्यान करेंगे। देखिए बहुत दिव्य विधि है यज्ञ की, सर्वोत्कृष्ट विधि कंडी पिंडी और चंडी, जिसको आगे वही विद्वान कंडी पिंडी और चंडी। कंडी अर्थात कुछ कंडिका, पिंडी अर्थात पिंड दान आदि कर्म, और चंडी अर्थात भगवती चंडी की आराधना है। तो सबसे का एक कमांड होना चाहिए, वही विद्वान कर्मकांड क्षेत्र। तो ऐसे धुरंधर विद्वानों का दर्शन आपको हो रहा है, आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए। सुष्कंडिका स्वाहा थोड़ा देर है। देखिए कितने सुंदर अग्नि देव का दर्शन करिए, दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं भैया। ऐसे जब सुष्कंडिका हो दर्शनाथ वहाँ पूछ लीजिए बाबा जी, श्री जी में जाना है तो प्रजापति पूछ लीजिए श्री जी। नैवेद्य हो गया भैया, अग्निदेव का पूजन और नैवेद्य, पांच प्रणाहुति काटो। हवनीय द्रव्याणि या परित्यक्तानि यथा देवतानि सन्तो। इसका अर्थ यह है कि मेरे द्वारा ये जो सामग्री लाई गई है, जिन जिन देवताओं के नाम से मैं आहुति प्रदान करूं, हे यज्ञ नारायण, उन उन देवताओं तक पहुंचाने की कृपा करें। वराहुति तैयार आप लोग हो गए हैं जी, बस पांच मिनट में बैठना। वराहुति होए गणेश जी की आहुति। गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा, प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा, निधिपतिगुं हवा वशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम स्वाहा नमः। चलिए गणपति होम के बाद अगले नवग्रह होम हमारे आचार्य यहाँ संपादित करेंगे। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर पुनः मिलेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, नमो राघवाय।